क्या आपने कभी एआर रहमान को सिंथेसाइजर बजाते हुए देखा है? आपने माइकल फेल्प्स को ओलंपिक्स में या किसी भी कंपटीशन में स्विमिंग करते हुए देखा है? आपने मोदी जी को भाषण करते हुए तो ज़रूर देखा होगा। क्या कॉमन है इन तीनों में? ये तीन लोग जब ये स्पेसिफिक एक्टिविटी करते हैं तो कितने एफर्टलेस और एफिशिएंट दिखाई देते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू बियॉन्ड द बिलीफ। नरेंद्र मोदी जी हो जबकि भाषण दे रहे, एआर रहमान हो जबकि सिंथेसाइजर बजा रहे, या माइकल फेल्प्स हो या आप हो जब कोई एक्टिविटी कर रहे हो और आपने फील किया होगा कि आपको समय का पता ही नहीं चला, आप उस एक्टिविटी में इतने खो गए कि आपको याद ही नहीं रहा कि कितना टाइम हो गया है, लेकिन आपने उसको बहुत ही एंजॉय किया, आप एक अलग ही जोन में चले गए। इसे कहते हैं स्टेट ऑफ फ्लो। आप में से कईयों ने इस चीज़ को महसूस किया होगा कि कोई सर्टन एक्टिविटी करते वक्त आपको याद ही नहीं रहता कि कितना समय बीत चुका है, क्योंकि आप उस एक्टिविटी को आप बहुत एंजॉय कर रहे हो। आप में से जिनको भी कुकिंग पसंद है, आप सुबह 10 बजे काम शुरू कर रहे हो, आपको एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बनानी है, भले ही 12 बज गए आपको लगेगा कि ये तो 10 मिनट में हो गया, बिकॉज यू आर सो मच इमर्स्ड इनटू दैट। कुछ लोगों को किताबें पढ़ना पसंद है, तो लोग किताब शुरू कर देते हैं और वो अच्छी किताब जब ख़त्म हो जाती है तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि काफ़ी टाइम बीत गया। कुछ लोगों के लिए राइटिंग के रिगार्डिंग भी हो सकता है। कुछ लोगों को मूवीज़ देखना पसंद है, तो उनको 3 घंटे की या 2 घंटे की मूवी ऐसा लगता है कि वाह व्हाट वाज एन एक्सपीरियंस, क्योंकि उनको समय का कुछ ध्यान ही नहीं रहा। इसके उल्टा भी होता है, जैसे कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो या तो हमें पसंद नहीं है या तो उसे करने की हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, तो हमें बोरिंग लगने लगती है। याद कीजिए वो सारे बोरिंग लेक्चर्स जो हार्डली 30 या 40 मिनट्स के होते थे, लेकिन हम सबको लगता था जैसे कि पूरा दिन इसी में बीत गया है। वो तो खैर किसी और की एक्टिविटी थी, वो प्रोफेसर लेक्चरर की एक्टिविटी थी। हम जिस एक्टिविटी में खुद को डाल देते हैं, कोई एक असाइनमेंट है, बहुत ही टफ असाइनमेंट है जो हम अवॉइड कर रहे थे, हम नहीं करना चाहते थे लेकिन करनी पड़ रही है, भले ही वो असाइनमेंट आधे घंटे की हो, लेकिन वो आधा घंटा में इतना स्ट्रेच लगता है कि उसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। अब मज़े की बात यह है कि आपको जो एक्टिविटी बोरिंग लग रही है या आपके लिए वो स्ट्रेसफुल है, कोई और उसको एंजॉय भी कर सकता है, राइट? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही एक एक्टिविटी सबके लिए बोरिंग है या सबके लिए हैप्पीनेस क्रिएट करने वाली है। तो ऐसे कौन से एक्सपीरियंसेस है जो हमें हैप्पी बनाएंगे, ऐसे कौन से एक्सपीरियंस है जो हमें हमारे लिए बहुत ही बोरिंग होंगे, ये सारी चीज़ें क्या है, इन सवालों के जवाब देने में हमें एकिगाई मदद करेगा। साइकोलॉजिस्ट मिहाई चिकसनमिहाई, इन्होंने अपनी रिसर्च में स्टेट ऑफ फ्लो के बारे में बहुत कुछ बेहतरीन चीज़ें लिखी है। उनके हिसाब से ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्रिएटिव फील्ड के जो लोग होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, पोएट होते हैं, उन्हीं को स्टेट ऑफ फ्लो अचीव हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बजाय जो भी लोग, आप बिजनेस में हो, आप टीचर हो, आप डॉक्टर हो, आप लॉयर हो, आप कोई भी हो जिनको अपने प्रोफेशन से प्यार है, आपको वो काम करना अच्छा लगता है, इसका ये मतलब है कि यू आर ऑलरेडी अचीविंग दैट स्टेट ऑफ फ्लो। अगर हमें स्टेट ऑफ फ्लो को बहुत इजी तरीके से समझना है तो इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ को अगर हम प्लॉट करते हैं कि किसी भी एक्टिविटी को करने का एक चैलेंज लेवल होता है कि कितना टफ है वो करना आपके लिए, और उसके लिए आपके पास क्या स्किल सेट है, कितना ईजी या डिफ़िकल्ट है। अगर ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है और आपके पास स्किल सेट नहीं है तो आपको इसमें काफ़ी स्ट्रेस पैदा होगा, आपको काफ़ी एंग्जाइटी क्रिएट होगी। और यहीं जब आपके पास स्किल सेट बहुत अच्छा है उस काम को करने का और उसका कोई चैलेंज लेवल इतना अच्छा नहीं है तो बोर हो जाओगे, आपको वो काम करते करते तो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका स्किल सेट और उस एक्टिविटी का चैलेंज मैच कर जाए तो आपका जो स्टेट ऑफ फ्लो है वो अचीव हो सकता है। हालांकि ये ग्राफ आपको पूरी तरीके से हमारा जो इमोशन है थ्रू आउट वो नहीं बताता, वो हम आने वाले कुछ वीडियोस में देखेंगे, लेकिन इससे आपको ये ज़रूर समझ में आएगा कि आपको जो एक्टिविटीज़ पसंद आ रही है उसका चैलेंज और स्किल कहीं ना कहीं पर मैच हो रहा है। वैसे तो खुशहाल ज़िंदगी जीने का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एकीगाई के हिसाब से अगर आपको एक खुशहाल ज़िंदगी जीनी है, आपको एक ऑप्टिमल एक्सपीरियंस क्रिएट करना है अपनी लाइफ में, तो आपको स्टेट ऑफ फ्लो को अचीव करना बहुत ही ज़रूरी है। आने वाले कुछ वीडियोस में हम देखेंगे कि मैं स्टेट ऑफ फ्लो को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।